कभी कुछ ऐसा भी होता है जो सोच से परे हो। कहां तो आरोपी को सजा दिलवाने के लिए मेहनत की जा रही थी और कहां सजा मिली पुलिस को और उसके आईओ को। आरोपी शान से बरी हुआ। जो पुलिस का जांच अधिकारी आरोपी को जेल में सड़ा देने की बात कर रहा था, वही आरोपी की रिहाई का बड़ा कारण बना। न सिर्फ आरोपी की रिहाई का कारण बना बल्कि उसे उसके डिपार्टमेंट ने पनिशमेंट भी दिया। आप पूछेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। आप फिर पूछेंगे कि असलियत में क्या हुआ था, यह क्या मामला है, तो हम कहेंगे कि इस वीडियो में देखिए, आप सब कुछ जान जाएंगे। रमन पर आरोप था कि वह शोनी को एक फ्लैट पर ले गया, फ्लैट में कोई नहीं रहता था। रमन ने ताला खोलकर शोनी को फ्लैट के भीतर लिया और उसके साथ रेप कर दिया। लगभग 3 सप्ताह के बाद FIR दर्ज की गई थी, लेकिन क्योंकि आरोपित स्थान पर कोई नहीं रहता था तो यह अनुमान था कि वहां रेप के सबूत यथावत मिल जाएंगे। पुलिस तफ्तीश हुई, आरोपी गिरफ्तार हुआ, बेल मिली और केस चल पड़ा। सभी गवाह एक एक करके एग्जामिन और क्रॉस एग्जामिन हुए। सब गवाहों के अंत में पुलिस का जांच अधिकारी अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आईओ आता है, उसकी गवाही होती है। तो यहाँ हम इस वीडियो में केवल आईओ शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आईओ शब्द सबसे अधिक बोला और समझा जाता है। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर शैलजा ठाकुर का आज क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। उसका एग्जामिनेशन इन चीफ पहले ही पिछली तारीख पर हो चुका था। क्रॉस एग्जामिनेशन काफी लंबा था, अतः हम आपको उसका केवल प्रासंगिक क्रॉस एग्जामिनेशन ही दिखाएंगे। हमने सवाल पूछा, इंस्पेक्टर क्या यह बात ठीक है कि FIR 29 जुलाई को दर्ज हुई थी? उसने जवाब दिया हाँ। क्या यह बात भी ठीक है कि आपने कथित फ्लैट का मुआयना 27 जुलाई को किया था? जवाब दिया जी हाँ, 27 को हम वहाँ गए थे। हमने फिर सवाल पूछा, 19 जुलाई और 27 जुलाई के बीच 8 दिन उस फ्लैट पर क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी पूरी चार्जशीट में कहीं नहीं लिखी हुई है? आंसर, क्या होगा, कुछ भी नहीं, फ्लैट तो खाली था। सवाल हमने पूछा, क्या उस फ्लैट की चाबी आपके पास थी? उसने जवाब दिया नहीं, हमारे पास कहाँ से आएगी। सवाल था, क्या इस दौरान कोई CCTV कैमरा उस फ्लैट की निगरानी कर रहा था? उसने जवाब दिया, CCTV कैमरा का हम क्या कह सकते हैं। हमने सवाल पूछा, यानी आपको नहीं पता कि उन 8 दिनों में उस फ्लैट के भीतर क्या हुआ था? आईओ ने जवाब दिया, मैंने बताया ना कि फ्लैट तो खाली था, वहाँ कुछ होना ही नहीं था। तो हमने देखा कि ये आईओ कुछ ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रही थी। हमने उस पर एक लीगल प्रहार किया, क्या आपने या आपके द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी ने या कांस्टेबल ने उस फ्लैट की स्थिति व्यक्तिगत रूप से जांची थी? उसने जवाब दिया नहीं, हमें जरूरत नहीं लगी। हमने यहाँ पहला पॉइंट जीत लिया था, स्पॉट ऑफ अकरेंस 8 दिनों तक पुलिस के नियंत्रण और निगरानी से बाहर पड़ा रहा। वहाँ कोई भी सबूत छेड़छाड़ की जा सकती थी उसके साथ, उसे हटाया जा सकता था या झूठा सबूत लगाया जा सकता था। हमने सवाल पूछा, आपको यानी पुलिस को फ्लैट के बारे में, उसके नंबर और लोकेशन के बारे में कैसे पता चला? आईओ ने जवाब दिया, प्रोसिक्यूटर्स ने आगे चलकर उसकी ओर इशारा किया था, पॉइंटिंग आउट मेमो फाइल में लगा हुआ है। हमने सवाल पूछा, क्या यह सही है जब आप फ्लैट पर गए थे तो वहाँ ताला बंद था? उसने कहा हाँ। हमने वहाँ के फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड पर लगाए हैं। हमने पूछा, फोटोग्राफ्स के लिए कौन फोटोग्राफर आपने बुलाया था? उसने कहा कि वे मैंने अपने मोबाइल फोन से खींचे थे। क्वेश्चन, यह बात तो सही है ना कि आपने मोबाइल फोन की बाबत कोई सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट रिकॉर्ड पर नहीं लगाया है? यहाँ तो आईओ को जैसे सांप ने काट लिया। ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और वह फाइल को उलटने पलटने लगी। हमने उससे कहा कि कोर्ट का समय नष्ट न करे, हम आपसे ज्यादा बार इस फाइल को देख सके हैं और देखने के बाद ही हम यह सवाल पूछ रहे हैं। आंसर, हाँ नहीं मिला, पर यह गलती कैसे हो गई मुझसे, मुझे नहीं पता। हमने उससे फिर अगला सवाल पूछा, आपने उस फ्लैट का नक्शा मौका यानी कि साइट प्लान बनाया था और किसके कहने पर बनाया था? उसने जवाब दिया, नहीं मैंने साइट प्लान नहीं बनाया था, पॉइंटिंग आउट मेमो बनाया था और वो लगा हुआ है। हम व्यूअर्स के लिए बता देते हैं कि पॉइंटिंग आउट मेमो एक दस्तावेज होता है जो कि प्रोसिक्यूटर्स ने उस स्थान की ओर इशारा करके बताया कि अपराध यहाँ हुआ था, जबकि साइट प्लान उस स्थान का नक्शा होता है कि कथित स्थान पर क्या क्या स्थित है और आरोप सिद्धि में दोनों का होना बहुत जरूरी है। साइट प्लान के बिना आरोप सिद्ध होना कठिन है। तो सवाल पूछा हमने आईओ से, आईओ साहब क्या यह बात
सही है कि आप लोग पूरी तफ्तीश के दौरान कभी उस फ्लैट के अंदर नहीं गए? उसने जवाब दिया, तफ्तीश के समय वह फ्लैट बंद था। फिर सवाल पूछा, उस फ्लैट का रजिस्टर्ड ओनर कौन था? आईओ ने कहा, जब वह बंद था तो हम उसके ओनर को कैसे मिलते? क्वेश्चन, तो आपने उसका बयान भी नहीं लिखा होगा? उक्त तारीख को आरोपी और प्रोसिक्यूटर्स उस फ्लैट में गए भी थे या नहीं गए थे? आंसर, जब वहां कोई था ही नहीं तो बयान भी नहीं लिया गया, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने बताया था कि उस जगह वह ले गया था। सवाल हमने फिर पूछा, आपने फ्लैट की सोसाइटी के एंट्री गेट का सिक्योरिटी रजिस्टर तो जब्त किया होगा? आंसर, नहीं, हमने नहीं लिया था। हमने फिर सवाल पूछा, आपने सोसाइटी के किसी निवासी का बयान लिया होगा जिसने आरोपी को उस दिन सोसाइटी में देखा हो? जवाब, हमने नरेश कुमार का बयान रिकॉर्ड पर लिया था जिसने आरोपी द्वारा प्रोसिक्यूटर्स को उस फ्लैट में ले जाते देखा है। हमने सवाल पूछा, यह बात तो सही है ना कि नरेश कुमार सिंजोला गांव का रहने वाला है जो इस फ्लैट से 35 किलोमीटर दूर स्थित है? आईओ थोड़ी संभली, उसने कहा, वह अपने लिए कोई फ्लैट देखने उस सोसाइटी में आया था और उस दौरान उसने उन दोनों को देखा था। क्वेश्चन, हमने सवाल पूछा उससे, क्या आपने किसी सोसाइटी निवासी का या किसी प्रॉपर्टी डीलर का बयान लिया जिसने नरेश कुमार को उस सोसाइटी में कोई फ्लैट दिखाया हो? उसने कहा, नहीं। अच्छा, हमने आगे पूछा, आपने उस फ्लैट की सोसाइटी के RWA से भी कोई बयान तो लिया होगा, उसके किसी ऑफिसर से, उसके किसी मेंबर से बयान लिया होगा? जवाब, उसने कहा, नहीं लिया है। यहाँ सब व्यूअर्स ध्यान से देखें और सीखें कि इस केस में आईओ ने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है। वह बहुत सीनियर आईओ थी। ये सरकारी अधिकारी अपने रुतबे और ताकत के इतने गुरूर में होते हैं कि कानून को पांव तले मसलना इनको आसान लगता है। डेट ऑफ FIR यानी कि 19 जुलाई और डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फ्लैट यानी कि 27 जुलाई, इनके बीच के 8 दिन तक वह फ्लैट, जिसे स्पॉट ऑफ अकरेंस भी कहते हैं, मौका वारदात भी कहते हैं, वह बिना किसी निगरानी के पड़ा रहा। वहां किसी के द्वारा भी सबूत को गायब किया जा सकता था या झूठा सबूत प्लांट किया जा सकता था। पूरे इन्वेस्टिगेशन में इस बात पर कोई तफ्तीश नहीं की गई कि फ्लैट का मालिक कौन है और आरोपी तथा प्रोसिक्यूटर्स के वहां जाने को लेकर उसका क्या कहना है, ये दोनों लोग वहां गए भी थे या वहां नहीं गए थे, क्योंकि जब तक उस फ्लैट की चाबी आरोपी को और प्रोसिक्यूटर्स को उपलब्ध नहीं होगी वो उसे खोल नहीं पाएंगे, और यदि उन्होंने फ्लैट मालिक की इजाजत के बिना खोला है तो यह उस घर में गैर कानूनी रूप से घुसने का दूसरा मामला बनना चाहिए था, जो कि आईओ ने नहीं बनाया। आईओ कभी भी उस फ्लैट के अंदर तक नहीं गई। उसे पता नहीं था कि उस फ्लैट के अंदर कमरे हैं, तालाब है या मच्छी मार्केट है। उस फ्लैट का कोई साइट प्लान रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था। प्रोसिक्यूटर्स का यह कहना कि उस फ्लैट के अंदर उसके साथ रेप किया गया था, यह आईओ की तफ्तीश से मेल नहीं खा रहा था। आईओ को दिखाना चाहिए था कि उस फ्लैट के अंदर क्या है, कहां पर पलंग है, कहां पर गद्दा है, कपड़ा है, और उन पर उपलब्ध मौजूदा सबूतों को उठाना चाहिए था, जो आईओ ने नहीं किया। फ्लैट के बाहर से उसने कुछ फोटोग्राफ्स अपने मोबाइल फोन से लेकर रिकॉर्ड पर लगाए थे, लेकिन उन मोबाइल फोन्स और फोटोग्राफ्स की बाबत भी उसका सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं लगाया गया था, जिससे उन फोटोग्राफ्स का सारा एविडेंस बेकार हो गया था और उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सका था। फ्लैट की सोसाइटी के गेट पर सिक्योरिटी थी, आने जाने वाले का नंबर नोट किया जाता था और उसके साइन लिए जाते थे कि वह किस फ्लैट में जा रहा है, आने और जाने का समय नोट किया जाता था और यह सब एक रजिस्टर में किया जाता था। वहां से भी आईओ ने सिक्योरिटी रजिस्टर को जब्त ना करके प्रोसिक्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिया था। एक पुलिस का स्टॉक विटनेस नरेश कुमार, हालांकि उसने डाल दिया था, लेकिन नरेश कुमार एक 35 किलोमीटर दूर के स्थान का रहने वाला था और इस बात का कोई जस्टिफिकेशन रिकॉर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा था कि नरेश कुमार उस समय वहां कैसे था जिस समय कथित रूप से आरोपी प्रोसिक्यूटर्स को उस फ्लैट में ले गया था। किसी सोसाइटी के निवासी का या किसी प्रॉपर्टी डीलर का कोई बयान नहीं था जो दिखाए कि वे नरेश कुमार को वहां पर फ्लैट दिखाने के लिए ले गया था। इन सब बातों को देखें तो प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से फेल हो गया था यह दिखाने में कि अपराध कहां हुआ है, यानी कि स्पॉट ऑफ अकरेंस अर्थात मौका वारदात, यह संदेहास्पद हो गया था। स्पॉट ऑफ अकरेंस संदेहास्पद हो गया था और संदेहास्पद स्पॉट ऑफ अकरेंस अपराध को साबित नहीं कर सकता है। अन्य गवाहों को भी इतनी ही गहराई से पहले उनके समय पर तोड़ा जा चुका था, तो यह पूरा का पूरा केस इस समय डिफेंस ने तहस नहस कर दिया था।
कोर्ट ने आरोपी को बरी किया और इस आईओ इंस्पेक्टर शैलजा ठाकुर के खिलाफ सीनियर अधिकारियों को लिखा कि कैसे एक पुलिस अफसर इतना लापरवाह हो सकता है, इसकी जांच की जाए, क्योंकि पूरे के पूरे प्रोसिक्यूशन केस का सारा एविडेंस इस आईओ की लापरवाही ने तबाह किया था, जिसका लाभ आरोपी को मिला था। तो यदि आप अपने आरोपी के पक्ष में सही ढंग से क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो पुलिस आईओ को, खासतौर से जो लापरवाह और गैर जिम्मेदार जांच करते हैं, उनको लेने के देने पड़ जाते हैं। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे, एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें, वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।